क्राइम ब्रांच के एसएसबी ने मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा है। पुलिस ने अड्डे के मुखिया को गिरफ्तार करके चार युवतियों को उसके चंगुल से मुक्त कराया है। आरोपी 38 वर्षीय वर्षा रामटेके है और उसका साथी रजत ठाकुर फरार है। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क के पास एक इमारत के पहले मंजिल पर वर्षा का किंग्स रॉयल मसाज पार्लर है। मसाज पार्लर की आड़ में वर्षा देह व्यापार का अड्डा चलाती थी। इसका पता चलने पर एसएसबी ने गुरुवार की दोपहर डमी ग्राहक को वहां भेजा। उसने वर्षा से युवती का सौदा किया। रुपए देते ही पुलिस ने छापा मारकर वर्षा को धर दबोचा। उसके अड्डे पर चार युवतियां मिली है। वर्षा 6 माह से यह अड्डा चला रही थी। कोविड प्रकोप के बावजूद यहां ग्राहकों की आवाजाही थी। वर्षा को इसके पहले वाड़ी में खुशी नामक महिला के अड्डे पर पकड़ा गया था। उस वक्त उसे पीड़ित बताया गया था। बाद में वर्षा ने खुद का अड्डा आरंभ कर लिया। उसने पीड़ित युवती को कमाई का लालच देकर अपने धंधे में शामिल कर लिया। दो युवतियां काफी समय से देह व्यापार में लिप्त है। वह पहले भी पकड़ी गई है। पुरानी खिलाड़ी होने से वर्षा के पास ग्राहकों की भी कमी नहीं थी। मिली जानकारी के अनुसार वर्षा देह व्यापार की चर्चित खिलाड़ी रजत ठाकुर की मदद से अड्डा चलाती थी। वर्षा को ग्राहक भी उपलब्ध कराता था। रजत काफी समय से देह व्यापार में लिप्त है। रजत आरपीएफ का भगोड़ा बताया जाता है। रजत के खिलाफ पहले भी देह व्यापार के कई मामले दर्ज है। 4 माह पहले एमआरडीसी में दवा कंपनी के अधिकारी को हनी ट्रैप कर फंसाने में प्रेमिका के साथ पकड़ा गया था। रजत काफी समय से शहर के पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ है। सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई के अभाव में वह काबू में नहीं आ रहा। जोन 2 के सीताबर्डी थाने के तहत क्राइम ब्रांच की यह तीसरी कार्रवाई है। 29/10 रोजी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखा नागपूर शहर आमच्याकडून कारवाई करण्यात आली। अंजली शाह उर्फ वर्षा रामटेके वय 38 आणि रजत ठाकूर असे दोन आरोपी हे करण्यात आले। शिवगौरव अपार्टमेंट फ्लॅट नंबर 103 टावरी मार्केटच्या समोर धरमपेठ ट्रॅफिक चिल्ड्रन पार्क आहे त्या ठिकाणी अवैधरित्या मसाज पार्लर चालू असल्याची माहिती आम्हाला बातमीदारांमार्फत मिळाली आणि तिथे आम्ही छापा कारवाई केली। छापा कारवाईमध्ये आम्ही 4 पीडित मुलींची सुटका केलेली आहे आणि आरोपी नंबर 1 ही तिथं ते मॅनेज सगळं करत होती त्यामुळे तिला ताब्यात घेतलेलं आहे। रजत ठाकूर हा अद्यापही फरार आहे। हा या सगळ्यांच्या मागचा मेन सूत्रधार असल्याचं थोडीशी माहिती आम्हाला यात मिळालेली आहे। त्याचा शोध अजून चालू आहे। याबाबत सीताबर्डी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल असून तिथंच पुढील कारवाई चालू आहे। के पहले 2 मर्तबा धरमपेठ में चर्चित रूप 9 पब पर छापा मारकर हुक्का पार्लर पकड़ा गया था। आज देह व्यापार का अड्डा मिला है। इससे सीताबर्डी पुलिस और उसके अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। यह कार्रवाई अतिरिक्त आयुक्त सुनील फुलारी, उपायुक्त गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में की गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, 1 BCN न्यूज नागपुर।